हेलो गाइस, सो फाइनली कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म तेजस का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। जैसा कि फिल्म के मेकर्स ने टीजर में अनाउंस किया था कि इस फिल्म के ट्रेलर को एयरफोर्स डे पर ड्रॉप किया जाएगा, जो कि आज 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे है और इसी मौके पर फिल्म के मेकर्स ने इस ट्रेलर को ड्रॉप किया है। और ये वही फिल्म मेकर्स है जिन्होंने 2019 में उरी जैसी ब्लॉकबस्टर और देशभक्तिपूर्ण फिल्म हमें दी थी। एंड क्या आप जानते हैं, उरी को 25 करोड़ में बनाया था और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 360 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था और उसके बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसको ब्लॉकबस्टर का टैग दे दिया। और अब वही मेकर्स तेजस फिल्म लेके आ रहे हैं और इस फिल्म को सर्वेश मेवारा ने डायरेक्ट किया है एंड इस फिल्म को 40-50 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है। और अगर देखा जाए बजट के अकॉर्डिंग तो ट्रेलर काफ़ी बढ़िया है, ट्रेलर काफ़ी अच्छा है, बजट को जस्टिफाई करता है ऐसा मुझे लगता है। जहां ट्रेलर में और फिल्म में आई होप कि हमें हाई वीएफएक्स शॉट्स भी देखने को मिलेंगे। बजट के अकॉर्डिंग इन्होंने काफ़ी सही वीएफएक्स एंड सीजीआई का यूज़ किया है एंड पर्सनली आई लाइक्ड इट। एंड जैसा कि हम जानते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी एंड फिल्म में डायलॉग्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। आई होप, ट्रेलर देख के मुझे पता लग रहा है कि डायलॉग्स काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं फिल्म में। एंड फिल्म में कंगना पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों डायमेंशन में लड़ती हुई में नजर आएगी। एंड फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से रहने वाली है कि 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 2001 में इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनस मेड इन इंडिया फाइटर जेट का नाम तेजस रखा था, देन तेजस डिसाइडेड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट। एंड फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे एक फीमेल एयरफोर्स पायलट बनती है और कैसे वो एज एन एयरफोर्स पायलट अपने नेशन को सर्व करती है, उसके अराउंड स्टोरी चलेगी। एंड ट्रेलर में इंडिया पाकिस्तान टेररिज्म एंड वॉर वाला एंगल भी दिखाया गया है जो कि फिल्म को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। सो ओवरऑल मैं ट्रेलर देख के काफ़ी खुश हूँ, मुझे लगता है इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई होगी फिल्म, आई होप, एंड लग रहा है कि कुछ अच्छा ही डिलीवर करेंगे, आई थिंक सो। और ये फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दी जाएगी, लेकिन उसी के साथ में विधु विनोद चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म 12th फेल भी उसी दिन 27 अक्टूबर को रिलीज़ होगी और उसी सेम डे नितिन गडकरी जी पर बनने वाली बायोपिक गडकरी भी 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। सो इन तीनों फिल्मों का क्लैश होने वाला है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमें क्या देखना है और कंटेंट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि कौन अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहा है या फिर किसका कंटेंट अच्छा है। सो अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी फिल्मी अपडेट्स जानने के लिए राहुल करवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।